हाय माय एमिटियन, सो आज की वीडियो होने वाली है डिटेल्ड मॉड्यूल असाइनमेंट्स के ऊपर, जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की एंड से कि सिमरन प्लीज़ मेक अ डिटेल्ड ट्यूटोरियल ऑन हाउ वी कैन एक्सेस आर मॉड्यूल असाइनमेंट्स। अभी मैंने रिसेंटली पोल करा था अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, सो पोल में भी मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस मेजरली मॉड्यूल असाइनमेंट्स के ऊपर ही मिले हैं। सो आई एम हेयर विद द वीडियो। सो गाइज, मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो में बने रहें, बिकॉज आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हम एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू मॉड्यूल असाइनमेंट्स, कि आपको न्यू अमीगो पोर्टल के ऊपर अपने मॉड्यूल असाइनमेंट्स कैसे दिखेंगे, आपको कैसे कंप्लीट करने हैं असाइनमेंट्स, एंड जो हमारा 100% माइलस्टोन का क्राइटेरिया होता है वो हमें कैसे एक्सेस करना है। इस बार टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्विजेज होते थे, जो क्वेश्चन होते थे, वो इस बार ही कंपल्सरी है या फिर नहीं, और भी बहुत सारे हम क्वेरीज को आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू बी इन द वीडियो टिल द एंड to get your doubts cleared. So please like कर देना, share कर देना and subscribe कर दिया करो guys, cause एक एक tutorial को बनाने के पीछे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा efforts होते हैं। So please इस video को share कर देना सारे MET के related groups में, so that बाकी सब batchmates आपके, बाकी सब students की भी आपकी help हो पाए, ठीक है। So without any further ado, let's jump straight into today's video. Guys, सबसे important बात, आप लोगों के assignments सारे ही courses के लिए live हो गए हैं हमारे Amigo portal के ऊपर, so make sure कि आप timely सारे access करके सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर दें। बाकी अभी फिलहाल डेडलाइन काफ़ी दूर है, बट आप टाइमली इनको सबको स्टार्ट कर देना। बाकी ये जो माइलस्टोन है, ये जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, ये अभी 21 अगस्त को हमारे अमीगो पोर्टल के ऊपर लाइव हो गए थे। गाइस, हम जैसे ही अमीगो पोर्टल को लॉगिन करते हैं, हमारा टॉप पर ही ऑप्शन आता है माई कोर्सेज। सो गाइस, माई कोर्सेज पर हम जैसे क्लिक करेंगे, स्क्रोल डाउन करके आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे जो भी आप सेमेस्टर में परस्यू कर रहे हो अभी अपना कोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ तो मेरे ये सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं फटाफट से कंज्यूमर बिहेवियर पे क्लिक करती हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है। व्यू कोर्स पे क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सब्जेक्ट पे आप जैसे ओपन करोगे, ये हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि मेरा ये 1% कंप्लीट आ रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने इसको अभी एक्सेस ही नहीं करा। मैंने सोचा था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं लाइव प्रोसेस में बताऊंगी कि आपको मॉड्यूल असाइनमेंट कैसे करने हैं और हम 1% से लेकर इसको 100% तक कैसे कंप्लीट करेंगे। इस मॉड्यूल के 100% के कंप्लीशन के बाद ही हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट या नेक्स्ट सब्जेक्ट के असाइनमेंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, अब अपने मॉड्यूल असाइनमेंट्स को करिए। ये जैसे मैंने अपना सब्जेक्ट ओपन कर लिया, आप नीचे स्क्रोल डाउन करोगे, आपको सारी कोर्स की डिटेल दिख जाएंगी, आपको सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है, और ग्रेड्स दिख रहे हैं हमें, बैजेस दिख रहे हैं, और काफी सारे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो गाइज, ये आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे सारे मॉड्यूल शो हो रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि मॉड्यूल असाइनमेंट्स के ही हमारे मार्क्स लगते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसमें सब अच्छा ही स्कोर करके लाएं। और आप देख सकते हो कि ये मेरा मॉड्यूल 1 है गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी हमारे बाकी के मॉड्यूल्स हैं, लाइक मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड सो ऑन, आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल अनलेस मॉड्यूल 1 इज कंप्लीटेड। है जब तक आपका मॉड्यूल 1 आप लोग कंप्लीट नहीं कर लेते, जो कि अभी मेरा अभी कुछ परसेंट कंप्लीट दिखा रहा है, इसको हमें 100% कंप्लीट करना है, तभी हम अपने मॉड्यूल 2 को एक्सेस कर पाएंगे। लाइक हमारे पुराने पोर्टल में क्या होता था कि हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करें या ना करें, बट स्टिल वी कैन यू नो एक्सेस आर सब्जेक्ट्स असाइनमेंट्स, हम सारे असाइनमेंट्स को एक्सेस कर पाते थे। बट न्यू वाले अमीगो पोर्टल में गाइज मैंडेटरी है कि आप अपनी सारी चीज़ों को एक्सेस करें, वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखें और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को करें, तब जाके ये आपका जो कंप्लीशन का जो ये स्कोर दिखा रहा है ना, ये तभी 100% हो पाएगा। बाकी डोंट वरी एट ऑल, मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल लाइव प्रोसेस बताऊंगी कि आपको 100% कैसे करना है, और गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो में बने रहे। मैं फटाफट से मॉड्यूल 1 पे क्लिक करती हूँ आपको सारे कॉन्टेंट्स दिखाने के लिए। मैं जैसे ही स्क्रोल डाउन करूंगी, आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर सारे मॉड्यूल वाइज मेरे सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर। स्क्रोल डाउन करोगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं बता दूँ कि ये जो भी आपको ब्लू आइकॉन्स में ये सारे कॉन्टेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे ब्लू कलर के जो हमारे कॉन्टेंट्स हैं, ये हमारे हैं ई ट्यूटोरियल्स, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, ठीक है। तो ई ट्यूटोरियल्स को देखना बिल्कुल मैंडेटरी है, सो मेक श्योर कि आप अपनी एक एक वीडियो को देख लें, ठीक है। बाकी मैं इसका आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। सो मेक श्योर टू बी इन द वीडियो। और उसके साथ आपको ब्लू कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ पर पिंक एक आइकॉन में ये सारे कोर्सेज दिख रहे हैं क्विज के नाम से।
और गाइस ये जो पिंक वाले हमारे सारे आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, जो कि हमारे लास्ट वाले अमीगो पोर्टल के ऊपर भी होते थे, बट ये उस पोर्टल में हम करें या ना करें तो चल जाता था, क्योंकि हम नेक्स्ट पोर्टल तक पहुँच सकते थे विदाउट कम्प्लीटिंग दिस। बट इस वाले पोर्टल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबको कम्प्लीट करें अगर आपको नेक्स्ट पोर्टल को एक्सेस करना है। गाइस ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस को आप इसको आराम से लाइक ओपन बुक से रेफर करके भी अपना आराम से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज इसमें हमारे मार्क्स नहीं लगते, ये हमारे सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए ही होते हैं। सो आप इसको उसी के अकॉर्डिंग अपना मैनेज करना। बट जो इन सारे कोर्सेज को आप नीचे देख रहे हो ना, नीचे मैं स्क्रोल डाउन करके आप देखोगे केस स्टडी आपको आएगी, केस स्टडी के बाद ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट है ये है हमारा मेन असाइनमेंट, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं है, ये हमारा प्रॉपर हमारा मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे फाइनल्स में। सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट को अच्छे से अपना पढ़कर ही अपना एक्सेस करें, ठीक है। तो जहां पर भी आपको जिस भी कंटेंट के ऊपर मार्क एज डन का ऑप्शन आ रहा है ना, हमें यहाँ पर सिंपली मार्क एज डन करना है, ताकि ये जो हमारा ट्रैकर है ये आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे एक्चुअल में प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप अपना इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन खोलते हैं, जो कि है फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये आप ध्यान से देख लेना। फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट के हमारे आपको पता है कि मार्क्स लगते हैं, ये मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, सो आप अच्छे से देख लेना। बाकी आप जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर सारे असाइनमेंट्स के रिलेटेड हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ये सारे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 30 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। गाइज इसके लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स होते हैं, सो मेक श्योर कि आप 3 घंटे के अंदर अपने ये असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें, ठीक है, अदरवाइज आपको 0 मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि इस असाइनमेंट्स के आपके प्रॉपर मार्क्स लगते हैं फाइनल में, ठीक है। तो मेक श्योर कि 30 नंबर में से आपके मिनिमम टू मिनिमम 9 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं टू गेट पास इन ऑल असाइनमेंट्स। पर अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करूंगी, स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करूंगी, आप ये देख सकते हो कि ये मेरा असाइनमेंट आ गया, जो कि ट्रैक भी हो रहा है और 3 आवर्स का हमारे पास टाइम है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो कि बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है एमएटी के असाइनमेंट से, तो आप देख सकते हो। गाइज यहाँ पर हमारे मे बी 16 या 17 क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर क्विज नेविगेशन आ रहा है और टाइम चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है। और क्विज नेविगेशन पे आप इसको आराम से नेविगेट कर सकते हो अपने आंसर्स के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और ये 2 आवर्स हमारा आ रहा है साइड पे, हमारे ये सारे चल रहे हैं, आप इस हल्का फुल्का इसका इंटरफेस देख लेना। बाकी गाइज ये जो हमारे असाइनमेंट्स है ना, ये हमारे ओपन बुक काइंड ऑफ आप कह सकते हो, यहाँ पर हमें कोई प्रॉक्टर इनविजिलेट नहीं कर रहा होता। अगर आपको बुक्स की हेल्प चाहिए, अगर आप अपने एंड से बेस्ट टू बेस्ट अगर करना चाहते हो, देन यू कैन टेक हेल्प, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। बाकी गाइस इसके मार्क्स लगने हैं, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से रिसर्च कर ही इन सारे आंसर्स को आंसर करें। तो फटाफट से मैं इसको अब कंप्लीट करती हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना प्रोसेस चल रहा है पूरा, मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करूँगी और फिर हम इसे सबमिट करेंगे। तो गाइज एज़ यू कैन सी मेरे सारे आंसर्स को मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। मैं फटाफट से इसको नेविगेट करके देख लेती हूँ कि मेरे सारे आंसर सही हैं, ठीक है। स्क्रोल डाउन करने पे हमें नीचे ब्लू कलर पे लिखा हुआ है फिनिश अटेम्प्ट, आप इसके सबमिट ऐसे करोगे, आप सबमिशन देख लेना कैसे करते हैं। फिनिश अटेम्प्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, आप ये देख सकते हो मेरे पास समरी आ जाएगी कि मैंने कितने आंसर्स को अटेम्प्ट करा है, क्या क्या मैंने अटेम्प्ट अपना करा है हमारे असाइनमेंट्स में, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने अपने 17 के 17 आंसर्स को अपना आंसर सेव कर दिया है, और दिस अटेम्प्ट मस्ट बी सबमिट बाय थर्सडे, लाइक आपको पता है 3 घंटे का टाइम है, तो ये आप टाइम देख लेना। और सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना होता है गाइस, ये देख सकते हो कि प्रॉपर डन हो गया, लाइक मैंने अपना प्रॉपर कंप्लीट कर दिया है। एंड जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी, हियर वी गो, आप ये देख सकते हो कि मैंने 30 out of 30 यहाँ पर मैंने अपना स्कोर करा है, फुल मार्क्स आए हैं मेरे आगे हैं। अब यहाँ पर मैं बैक टू द कोर्स पे क्लिक करूंगी, अब अपनी बाकी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, सो दैट मेरा जो ये ट्रैकर है ये 100% कंप्लीट हो पाए इस पूरी यूनिट का। आप ये देख सकते हो मेरा मॉड्यूल 1 पहले 1 या 2% कंप्लीट आ रहा था, अब जैसे कि मैंने अपना मॉड्यूल असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज में, अब मेरा 8% हो गया। ऐसे ही मैं सो ऑन सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करूंगी, ये बिट बाय बिट ये लाइन बढ़ती रहेगी और हम काफी जल्दी 100% पर पहुंच जाएंगे। अब मैं ये मॉड्यूल के साथ साथ मॉड्यूल 1 को मार्क एज डन करूंगी, मैं मॉड्यूल 1 का फीडबैक फॉर्म भी भर देती हूँ टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज़। आप यहाँ पर रिव्यू देना चाहो आप रिव्यू दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये कंपलसरी है। जैसे मैंने अपना फटाफट रेटिंग दी इसको, आप ये देख सकते हो मैं 10-10 जैसे भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप रेटिंग करके सबमिट योर आंसर्स पे क्लिक करोगे, आपका फीडबैक फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। सकते हो जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा, आप ये फिर से परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, लाइक 8% से 13% हो गया है। तो ऐसे ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ को हम जैसे जैसे करते जाएंगे कंप्लीट, अब ये हमारा कंप्लीट होता जाएगा और
ये परसेंटेज इंक्रीमेंट होता रहेगा। गाइस इस मोमेंट पे क्या हुआ था, जैसे मैं अपने ब्लू आइकॉन्स को फॉलो कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हम इसको स्किप कर सकते हैं एज वी यूज टू डू इन आर प्रीवियस अमीगो पोर्टल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर रही हूँ ना, तो ऊपर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। सो जैसे जैसे व्यू हो रहे हैं, लाइक ये लेक्चर्स तो व्यू हो रहे हैं, बट जो हमारा क्विज है ये आप देख सकते हो कि क्विज वाली जगह पर हमारा सिर्फ डन व्यू पे आ रहा है, और टू डू में स्टिल हमारा कुछ पेंडिंग टास्क है जो कि क्लियर लिखा हुआ है टू रिसीव। ठीक है, तो आपके ये जो क्विजेज है ना गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं अपने ये लेक्चर्स को एक्सेस कर रही हूँ ना, लेक्चर्स को एक्सेस करने पे हमें व्यू मिल रहा है, और आप देख सकते हो कि जो हमारी परसेंटेज है ये हमारा बढ़ रहा है, जो हमारा माइलस्टोन का परसेंटेज है। जैसे आप अपने लेक्चर्स को एक्सेस करोगे ना, लेक्चर्स को एक्सेस करके नीचे स्क्रोल डाउन करोगे, आपको नेक्स्ट एक्टिविटी आएगा, तो नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ साथ आप अपना सीरियल वाइज में ये सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि मैं एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए अपनी सारी ये अपने टास्क ओपन कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर से नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करती जाऊंगी ये सारे लेक्चर्स को देखकर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको सिंपली इसको क्लिक करके छोड़ना है या फिर आपको लेक्चर प्रॉपर देखने हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज टोटली अप टू यू। अभी फिलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं फटाफट नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करती जाऊंगी। और गाइस ये जो क्विजेज आ रहे हैं ना, ये पहले मुझे पता नहीं था कि ये क्विजेज को कंपलसरी है, मेरे को लग रहा था कि ये सारे वीडियोज को लाइक जैसे मैं एक्सेस कर लूंगी तो मेरा 100% हो जाएगा। अभी आप देखना आगे, अब ये आप देख सकते हो जैसे मैं नेक्स्ट टू एक्टिविटी करके अपना लास्ट बिल्कुल कंटेंट पर आ गई हूँ, जो कि मेरा है केस स्टडी। अभी देख सकते हो हमारे मॉडल असाइनमेंट से पहले एक केस स्टडी थी। ठीक है, ये केस स्टडी आ गई है सामने, और जैसे मैं क्लिक करूँगी ये मेरा फर्स्ट मॉडल असाइनमेंट आ गया है, जो कि मेरा कंप्लीटेड है। आप तीनों देख सकते हो, तीनों हमारे रेड इंडिकेशंस में आ रहे हैं कंप्लीशन का जो साइन है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट मॉडल असाइनमेंट मेरा प्रॉपर कंप्लीट था। मैंने अपनी सारी लेक्चर्स को देख लिया था, अब हम देखते हैं कि मेरा ट्रैकर कहाँ तक पहुँचा है, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हमारा इंपॉर्टेंट था या नहीं। अब मैं इसको चेक करने के लिए, ट्रैकर को चेक करने के लिए दोबारा जाऊंगी माय कोर्सेज के ऊपर, देखने के लिए कि हमारी कितने परसेंट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। मैं सब्जेक्ट पर दोबारा क्लिक करूंगी, कंज्यूमर बिहेवियर पर। आप देख सकते हो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको पता लग जाएगा ये मेरा 54% कंप्लीट है, जो कि मतलब आधे से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये आधे से ज़्यादा लाइक मेरा हाफ पोर्शन वो ही बचा है जो कि हमारे लेक्चर्स के साथ साथ जो हमारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे, जो कि हमारे पिंक आइकॉन्स में शो हो रहे थे। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर हमारे मैंने ब्लू वाले सारे ओपन करके देख लिए हैं। ठीक है, अब ये मैं बिट बाय बिट आपको क्विज कंप्लीट करके दिखाऊंगी, और ये गाइस क्विज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, बल्कि ये फिलहाल अभी प्रैक्टिस सेशन के लिए, इसके आपके मार्क्स नहीं लगने, बट अगर आपको नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर जंप करना है, यू नीड टू कंप्लीट योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। लाइक लास्ट वाले पोर्टल में तो हम इसको मिस कर देते थे, मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले कभी करे ही नहीं, बट गाइस इस वाले न्यू पोर्टल पे आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में जंप करना है। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, मेक श्योर कि आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करें। दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशन, दैट्स इट। जो आपका मेन मार्क्स वाला जो सेशन है वो हमारा मॉड्यूल असाइनमेंट ही है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको करके बता दिया है, जो 3 आवर्स का जो हमारा असाइनमेंट। तो मैं फटाफट से आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्विजेस को भी एक बार ही अटेम्प्ट करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल पाए। ठीक है, तो मैं फटाफट से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को साथ साथ अपना लाइव ही आपको प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगी, एंड देखते हैं कि ट्रैकर किस हिसाब से बढ़ता है। तो अब मैं इसको पिंक वाले सेशन को स्टार्ट करूंगी, जो कि मेरे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। तो जैसे मैं अपने पहले क्विज को ओपन कर रही हूँ, ठीक है, आप ये देख लेना, और ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो, एंड दिस सेक्शन इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस, एंड द मार्क्स विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इंटरनल असेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसके मार्क्स नहीं लगने। जो हमारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये हार्डली लाइक 5 मिनट लगेंगे एक भी क्विज को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आप इसको इंटरनेट या फिर अपनी ओपन बुक की हेल्प से भी अपना करके आराम से करते जाना आएंगी। और ये मेरा क्विज आ गया, आप देख सकते हो, अटेम्प्ट क्विज पे मैं क्लिक करूंगी सिंपली, और आप देख सकते हो कि ये क्विज पे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ऊपर आ रहा है टू डू रिसीव अ ग्रेड, तो इसकी वजह से हमारा जो ट्रैकर था ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम सिंपली क्लिक करेंगे अटेम्प्ट क्विज पे, हम क्लिक करेंगे तो हार्डली ये सारे प्रैक्टिस सेशंस में ना सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, 2 MCQs क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एंड इसको आप अटेम्प्ट करके आराम से इसको अपने ट्रैकर को कंप्लीट कर सकते हो, मार्क्स नहीं लगने। अब मैं सिंपली इसको फटाफट अपना करके मैं आपको सबमिट करके दिखाती हूँ। तो इसी सारे प्रोसेस से मैं अपना ये नीचे जो ब्लू आइकॉन में है फिनिश अटेम्प्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये सारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आपको सिमिलर प्रोसेस से कंप्लीट करने हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे मैं क्लिक करूंगी, दोबारा से सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करूंगी, एंड हियर वी गो। आप देख सकते हो कि मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और मेरे दोनों के दोनों ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पर मैं क्लिक करूंगी, और ऐसे करते करते लाइक मैंने ई ट्यूटोरियल देख लिया, आप देख सकते हो ऊपर ग्रीन में इंडिकेशन आ रहा था व्यू का, फिर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर क्लिक करूंगी, ये मेरे क्विजेज आ गए जो मेरे रिमेनिंग है। आप देख सकते हो ऊपर हमारा ब्लैक कलर में इनकम्प्लीट का
आइकॉन आ रहा है। अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करूंगी, वही सिमिलर प्रोसेस से करते करते हम जितने भी मेरे क्विजेस रह गए हैं पिंक सेशन वाले, जो कि पिंक आइकॉन्स में थे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले, इसी सेम प्रोसेस से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे चल रही है सारे प्रोसेस, और इतने में मैं फटाफट से लाइक जब तक मैं अपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रही हूँ, तब तक आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और मैं बी सोशल या फिर माइनर प्रोजेक्ट अब सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँ, कॉस्मिको प्रोजेक्ट के जो मैं स्क्रीन पर आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ, आपको सिमिलर इसी प्रोसेस से ही अपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट एक्टिविटी पर क्लिक करते करते आप अपने पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हो। और आप मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रैकर हमारा कहाँ तक पहुँच गया। अब गाइस इसमें मैंने अपना सारा मॉड्यूल एक्टिविटी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सारे मैंने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, अपने लेक्चर्स को देख लिया है, और मॉड्यूल असाइनमेंट हमने स्टार्टिंग में कर दिया था। आप देख सकते हो 30 out of 30 हमारा स्कोर था। अब हम फटाफट जाके देखते हैं कि हमारे माय कोर्सेज पे हमारा ट्रैकर कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पर माय कोर्सेज पे, दोबारा से जाएंगे हमारा ट्रैकर देखने के लिए। माय कोर्सेज पे हम जैसे ही जाएंगे, आप देख सकते हो मेरा सब्जेक्ट आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर पे, मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, हेयर वी गो, आप देख सकते हो कि हमारा ट्रैकर कहाँ तक पहुंच गया है। यस गाइस, हमने 100% अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो हमारा का 1% से स्टार्ट हुआ था, और ये सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके मैंने अपना 100% कंप्लीट कर लिया है। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा मॉड्यूल 3 की तरह, जैसे हमारा मॉड्यूल 2 बंद आ रहा था, नॉट अवेलेबल आ रहा था, लाइक लॉक्ड आ रहा था, अब आप ये देख सकते हो कि मॉड्यूल 2 मेरा ओपन है। लेट्स स्टार्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, जो कि अभी नॉट अवेलेबल आ रहा था जब तक हमारा ये 100% कंप्लीट नहीं था। तो ये वीडियो का कॉन्क्लूजन यही है कि मेक श्योर कि आपका मॉड्यूल 1 अच्छे से कंप्लीट हो, 100% आपको ये ग्रीन लाइन कंप्लीट करनी है, एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस योर मॉड्यूल 2। आप देख सकते हो मेरा मॉड्यूल 2 ओपन हो गया है, बल्कि अभी लाइक मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 आर स्टिल क्लोज्ड, कॉज ये तब ओपन होंगे जब मैं मॉड्यूल 2 को कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, तो मैं मॉड्यूल 2 का भी एक बार आपको बेसिक आइडिया दे देती हूं। जैसे हम मॉड्यूल 2 पे क्लिक करेंगे ना, जो आपका पहला टॉपिक आता है ब्लू, आप देख सकते हो ये बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज यहाँ पर है। आप यहाँ पर फर्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करना, और ये अपना सारा जो कंटेंट है ना, आप इसको स्टेप वाइज कंप्लीट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो ई ट्यूटोरियल पे मेरा व्यू आ गया, मेरा हल्का फुल्का यहाँ पर कंप्लीट होगी एक्टिविटी। नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, नेक्स्ट एक्टिविटी करते रहोगे, और फिर आपका ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आएगा, आपको फिर से अपना क्विज को एक्सेस करना है। अटेम्प्ट क्विज पे मैं क्लिक करूंगी, फिर अपना क्विज को अटेम्प्ट करूंगी। आप ये देख सकते हो ये सारा प्रोसीजर स्क्रीन पर चल रहा है। जैसे ही मैं क्विज करूंगी, फिर उसके बाद मेरा फिर से ये सबमिट एंड ऑल का ऑप्शन आएगा, फटाफट से सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद मेरा फिर से नेक्स्ट एक्टिविटी पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। दैट्स इट। और ये नेक्स्ट एक्टिविटी करते करते ही आपके ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स इट। और ये हमारा सिमिलर सा एक प्रोसेस था। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको काफी हद तक अच्छे से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझा दिया हो। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है गाइज, अगर आपको हल्की सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताना, और गाइज प्लीज शेयर कर देना। और आप देख सकते हो कि देखो मैंने मॉड्यूल 2 का एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन और एक मैंने एक वीडियो देखी है। आप ये देख सकते हो पहले मेरा बिल्कुल 0% था, अभी ये मेरा 4% कंप्लीट हो गया, बिकॉज मैंने अभी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ इसको देख ली हैं इसमें। और ये हमारा ऐसे ऐसे फिलअप होता रहेगा। और दिस इज़ फॉर द डे, आई होप कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया होगा। स्टिल अगर आपकी कुछ क्वेरी रहेगी है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए डू कमेंट डाउन, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। दिस इज़ फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।